अब हम इस सबक के अगले हिस्से की तरफ आते हैं, भारत और ब्राज़ील में इंसानी बस्तियों की तकसीम। भारत में इंसानी बस्तियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मरकूज गुंजान आबादी वाली बस्तियाँ जिसे बड़े शहर भी कहते हैं, मुंबई शहर, दिल्ली शहर, पूना शहर, ये घनी मरकूज बस्तियों में शामिल है। नंबर दो है मुंतशर बिखरी हुई या फैली हुई बस्तियाँ जो छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल होती है। इस तरह से भारत में बस्तियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मरकूज और गुंजान घनी बस्तियों के इलाकों में शुमाली भारत का मैदानी इलाका भी शामिल है। इस इलाके में दरियाए गंगा ने अपने बड़े मैदानी इलाके कायम किए हैं और ये मैदानी इलाके ज़राअत के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। इस इलाके में ज़राअत के पेशे को खूब फरोग हुआ है। मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर आमद रफ्त के ज़राए की खूब तरक्की हुई है। इस तरह से इस इलाके में गुंजान और घनी बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा मशरकी साहिली इलाका, भारत का मशरकी साहिली इलाका या समंदरी किनारा भी इस हिस्से में शामिल है। इस शुमाली साहिली इलाके में इंसानी बस्तियों की खूब तरक्की हुई है। इस इलाके में माहीगिरी के पेशे को खूब फरोग हासिल हुआ है, इसलिए यहाँ पर घनी बस्तियाँ पाई जाती है। नंबर तीन है विंध्याचल की सतह मुर्तफा दरियाए नर्मदा की वादी ज़ेरे काश्त इलाके, ये तमाम इलाके मरकूज गुंजान घनी बस्तियों के इलाकों में शामिल है। इसी तरह भारत में मुंतशर बस्तियों के इलाकों में वस्ती भारत का जंगलाती इलाका, हिमालय की ढलान, राजस्थान का मगरबी जनूबी इलाका, ये इलाके मुंतशर बस्तियों के इलाकों में शामिल हैं। हिमालय की नशीब व फराज के इलाके, ये इलाकों में इंसानी बस्तियों की कम तरक्की हुई है। इन इलाकों में इंसानों को ज़रूरी सहूलियात मुहैया ना होने की वजह से ये इलाकों में काफ़ी फैली हुई और छोटी छोटी बस्तियाँ पाई जाती है। इस तरह से भारत में इंसानी बस्तियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है।